लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने 36 साल के सूखे को खत्म किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। रविवार की रात को खेले गए रोमांचक मैच में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से मात दी और इसी के साथ ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी ने वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा किया, साथ ही वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने जिसके लिए उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला। फाइनल मुकाबले में फ्रांस की ओर से हैट्रिक जमाने वाले किलियन एम्बाप्पे को इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने का अवार्ड मिला और गोल्डन बूट से उन्हें नवाजा गया। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के बाद हुई अवार्ड सेरेमनी में किस खिलाड़ी को कौन सा अवार्ड मिला ये जानिए। गोल्डन बॉल अवार्ड लियोनेल मेसी अर्जेंटीना, गोल्डन बूट अवार्ड किलियन एम्बाप्पे फ्रांस, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज अर्जेंटीना, बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस अर्जेंटीना, फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसने दागे कितने गोल? क्लियन एबापी फ्रांस 8 गोल 2 असिस्ट, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना 7 गोल 3 असिस्ट, ओलिवियर जिरूड फ्रांस 4 गोल, जुलियन एल्वारेज अर्जेंटीना 4 गोल। इन टीमों के खाते में आए इतने पैसे, विजेता अर्जेंटीना 347 करोड़ रुपए, उप विजेता फ्रांस 248 करोड़ रुपए, तीसरे नंबर की टीम 223 करोड़ रुपए क्रोएशिया, चौथे नंबर की टीम 206 करोड़ रुपए मोराक्को। वर्ल्ड कप में शामिल हुए हर एक टीम को 9-9 मिलियन डॉलर, प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली टीमों को 13 मिलियन डॉलर, क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमों के खाते में 17 मिलियन डॉलर। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।